कि बच्चा जो है वो नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी जो है उसको यूज़ करे अब वो नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी को जब यूज़ करेगा तो उसके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि वो जो डिफ़रेंट करेक्टर्स वहाँ पे यूज़ कर रहा है या टॉयज़ यूज़ कर रहा है उसके थ्रू अपना कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे अनैक्ट कर सके सर्टेन टाइम uh, जब वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बेसिकली इशू है क्या प्रॉब्लम है क्या फॉर एग्जांपल अगर घर के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है या डिस्कॉर्ड है पेरेंट्स के दरमियान और बच्चा ये समझ रहा है कि दे वर लिविंग टुगेदर बिकॉज है मोह तो जिस वक्त वो कॉन्फ्लिक्ट को कोक्ट करेगा अपने प्ले थेरेपी में तो वो इस चीज़ को हो सकता है कि अंडरस्टैंड कर ले कि जो प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स का आपस का है और उसके अंदर वो किसी किस्म का रोल प्ले नहीं कर रहा ठीक है तो ये सारी जो चीज़ है इसको अंडरस्टैंड कराने में जो थेरेपिस्ट है वो उसके साथ साथ वर्कआउट करता है उसके उसके अंदर इनसाइट डेवलप करने की कोशिश करता है उसको जो टॉयज़ होते हैं या जो उसके करेक्टर्स होते हैं उसमें आ, बच्चे को हेल्प करता है कि वो कम्युनिकेट करे आ, आ, उन करेक्टर्स के थ्रू कि कौन सा करैक्टर क्या फ़ील कर रहा है और क्या आ, क्या वो सोच रहा है और जैसे जैसे आ, वो करैक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करता है वैसे वैसे उसको ये समझ आना शुरू हो जाती है कि जो ईशू है वो कहाँ पर लाई कर रहा है अब उसकी मदद से क्या होगा कि उसकी हेल्दी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा जिस तरह हमने बात की थी कि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का बच्चा होता है और uh, उसके अंदर मोस्टली गिल्ट uh, का जो एक एलिमेंट है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से सर्टेन टाइम जो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव डेवलप हो जाता है उसको यूं भी फील होता है कि आई एम अ फेलियर उसको यूँ भी फील होता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बैड थिंग्स एवर इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ तो इस किस्म के जो था सारे uh, उसके अंदर थाट पैटर्न चल रहा होता है उससे उसकी जो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है Uh, वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है ठीक है तो उस चीज़ के ऊपर वर्क करने के लिए जो प्ले थेरेपी है दैट लाइक वेरी हेल्पफुल ताकि उसकी हेल्प से क्लाइंट को ये अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो किन इश्यूज uh, की वजह से आ रही हैं और उनको वो कैसे टैकल कर सकता है और कैसे हैंडल कर सकता है तो थेरेपिस्ट जो है इसके अंदर सपोर्टिव रोल में रहता है और क्लाइंट को आहिस्ता आहिस्ता हेल्प करता है टू तो वर्ड्स गेटिंग आउट द solution.